Hello friends and welcome to Hummingbird Classes. This is me, Ayesh Gupta, and this video lecture series for class 10th student for the subject of Information and Communication Technology ICT with the subject code 402 in your CBSE examination pattern. It is a skill subject. Today is lecture 3. If you have not watched the lecture 1 and lecture 2, then there is not any kind of problem. Today I am going to start a new series, so new topic, so you can watch it and go through this video. We was discussing unit 2, web applications. In this we have completed the session 1. Now we will see session 1, which was the accessibility with accessibility tools in Windows, and after that we will start our second session, which is networking fundamentals. So without wasting time, let's start. A computer is a collection of computers a computer network is a collection of computer and other hardware component interconnected by communication channel, cables or satellite that allows sharing of resources and information. Computer network क्या होता है बेटा? Computer network is a collection of computers. क्या होता है? Collection of computers होता है, या फिर अदर हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि क्या हो कि अपनी रिसोर्सेज को वो शेयर कर सकें और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिस्टम कहलाएगा, योर सिस्टम इज इन अ नेटवर्क. क्या कहलाएगा वो? क्या आपका सिस्टम क्या एक नेटवर्क में है? ओके, दिस सेशन इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. ओके, तो यहाँ पे आप बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं. हो सकता है इसमें कई लोगों को मजा आना है कि यार क्या बता रहे हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन बेटा आपके सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा. एंड दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी. आप एकदम बस आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो वैसे, लेकिन हो नहीं पाएगा, इस समय प्रीमियर पे होगा. नेटवर्किंग आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर. पहला पी टू पी आर्किटेक्चर. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क. Generally, in such a network, each terminal has an equal component CPU. ठीक, क्या होता है इसमें? जब नेटवर्क जो होते हैं आपके पास, उनका क्या होता है? इक्वल स्टेटस होता है. मतलब इसमें कोई सर्वर जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती. ठीक, क्या होता है? जो भी सिस्टम कनेक्टेड है सबकी अपनी परफॉर्मेंस है, अपना अपना है, उसको हम पीयर टू पीयर कहते हैं. नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? इन नेटवर्क विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क providing services to other computer in the network calls client server network. The computer which provides services are called servers and the one that these service are called client. Means that जो आपका एक सर्वर होगा, उस सर्वर क्या करेगा? ये सर्वर आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा. इस सर्वर से ढेर सारे क्या जुड़े होंगे? क्लाइंट जुड़े होंगे. क्या जुड़ेंगे बेटा? क्लाइंट जुड़े होंगे. तो जो इस सर्वर से क्लाइंट जुड़े होंगे क्या कहलाते हैं? ये जो होंगे लेस पावरफुल होते हैं, सर्वर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ये इसको डाटा या जो भी सर्विसेज होंगी सर्वर की, उसको कौन यूज करेगा? एक क्लाइंट आके यूज करेगा. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉल्ड लैन एंड वैन. लैन इज स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वेयर एज वाइड एरिया नेटवर्क इज स्टैंड्स फॉर वैन. नाउ लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क? लेट्स अस सी. A local area network is one which connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building or closely positioned group of buildings. कहाँ जहाँ पे बहुत ही पास पास हो, जिसका रेंज क्या हो? बहुत ही कम हो, तो क्या कराएगा? लोकल एरिया नेटवर्क या क्या कराएगा? वो LAN, LAN क्या कराएगा बेटा? LAN. Okay, now next topic. Usually, local area networks offer very high speed. Obviously, बेटा क्योंकि क्या है, बहुत ही छोटे से जगह पे काम करता है, तो speed क्या होगी? इसकी high होगी. Are used for connecting computers in a peripheral such as printer and scanner. तो सारी चीजों को आप आपस में जोड़ सकते हो printer scanner को local area के through. ये भैया एक ही building में हो सकता है जहाँ पे आप उसको build up करो. एक इसके बाद MAN होता है. आपके book में तो नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ. Metropolitan area network जो होता है, ये होता है city के लिए. जैसे आपके घर में जो केबल टीवी आता था पहले, अगर याद हो क्या, पहले केबल टीवी होती थी. तो केबल टीवी क्या करता था? ये एक शहर में काम करती थी. तो ये क्या होती थी? आपका मैन एग्जांपल होता था. लेकिन अभी वैन आपके सिलेबस में, तो आप वैन पढ़िए.
लैड वैन मैन पैन बहुत सी जो होती हैं तो हम वैन पढ़ते हैं। चलिए, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। ये क्या करता है बच्चा, ये ब्रॉड एरिया कवर करता है। इफ एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क एंड इज used by business, government, non-profit organization, individual customer, artists, entertainers and many more। बेटा आपका वैन क्या होता है? वैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे आपके कई सारे लोग जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपकी बाउंड्रीज कोई बाउंड्रीज होती नहीं है, आप पूरे देश विदेश सब जगह को आप यूज करते हो। इंटरनेट एक तरह का क्या, इंटरनेट का वाइड एरिया नेटवर्क ही है। यहाँ पे हर तरह के लोग जुड़े होते हैं, आपको पता ही, इसमें ज्यादा बात बताने की बात है ही नहीं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। अब मैं आप फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पहले तो ग्लोबल सिस्टम है, पूरी दुनिया का सिस्टम है। ग्लोबल सिस्टम किसका है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, यानी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो कि क्या करता है, ये कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो, सॉरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होते हैं बेटा, पहले प्रोटोकॉल जान लो। प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स, प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स, RULES, रूल्स। कि आप कैसे डाटा को भेजोगे, कैसे डाटा रिसीव होगा, कैसे आप क्या यूज करोगे उसको, तो उसका एक रूल होता है। तो ये क्या करते हैं, इंटरनेट इस रूल को फॉलो करता है। ओके तो क्या होता है, ये नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है। कि मान लो आपके पास एक जियो का नेटवर्क है, किसी के पास और रिलायंस का नेटवर्क है, किसी के पास वोडाफोन है, किसी के पास आइडिया है, हाँ किसी के पास NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, किसी के पास कुछ है, ये सब आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपने क्या किया, आपने सबको कंबाइन कर दिया, नेटवर्क का नेटवर्क बना दिया, तो क्या बन गया, वो इंटरनेट बन गया। ठीक है, क्या आपका नेटवर्क का नेटवर्क होता है। It is a network of network that consists of millions of people, इस तरह के people का use करते हैं, इसमें हर तरह का network हो सकता है। Network is one of the most useful technologies of modern times which help us in our daily, personal and professional life. Internet is widely used by students, educational institutes, scientists and professionals to gather information for research and general information. Businesses use the internet to access complex database such as financial database. The internet is the largest encyclopedia for all age group. The internet helps in maintaining contact with friends and relatives who live across different locations via internet chatting systems and email software. Internet is also becoming a major source of entertainment for for general public. देखिए अब इसका हम डिस्कस करते हैं। आजकल इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज होता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक, और ये क्या है, आज की सबसे ज्यादा नीड भी है। हम इस समय अपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों वर्क कहाँ करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। जब भी हमें कोई चीज नहीं पता हो तो हम क्या कहते हैं, भैया गूगल कर लो। गूगल कर लो मतलब क्या, इंटरनेट पे सर्च कर लो। बिजनेसेस यूज द इंटरनेट टू एक्सेस द कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। मान लो आपका जो बैंक है, बैंक गए होगा ना, बैंक, आपके बैंक का जो अकाउंट होता है क्या होता है, वो ऑनलाइन होता है। तो आपके बैंक का जो खाता है, जो आपका अकाउंट है, जो आपका डाटाबेस, वो कहाँ रहता है, वो ऑनलाइन रहता है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप। क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या है, आप जानते ही, जहाँ हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है सभी तरह के एज ग्रुप के लिए। द इंटरनेट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द कॉन्टेक्ट विद द फ्रेंड्स, यू नो कि आप उसको कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर ईमेल का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी जाके तुम देखने लगो क्या, गाने वगैरह देखने लगो, तो इंटरटेनमेंट भी जाके तुम्हारा। नाउ वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत सुना है आपने WWW के बारे में। चलिए आज इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, WWW होता क्या है, किस खेत में मोली है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज द वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेसिंग वाया इंटरनेट। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि
हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी वेबसाइट होती है उसका एक उसको इंटरलिंक्ड करता है। या इंटरलिंक है सब सारी वेबसाइट आपस में किससे, www से, जिसको हम एक्सेस किससे करते हैं, उसको हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम वेयर हाइपर लिंक। तो किसके थ्रू उनके बीच काम होता है, उनके बीच हाइपर लिंक के थ्रू काम होता है। आपने यहाँ क्लिक किया और दूसरा टैब में कुछ खुल गया तो ये क्या होता है भैया, यही हाइपर लिंक होता है। तो ये हाइपर लिंक कैसे काम करता है, या हाइपर लिंक काम करता है इस www के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स रेफर्ड टू एज वेब पेज आर रिट्रीव्ड बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स ऑन द लोकल कंप्यूटर। तो हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है कहाँ स्टोर होती है, वेब सर्वर में स्टोर होती है। वेब सर्वर जैसे जैसे कि GoDaddy आपने सुना होगा, GoDaddy, बिग रॉक, ये सब क्या है आपके फंक्शन हैं, बिग रॉक, ये सब आपके क्या है, यही सब आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी क्या है, वेब सर्वर्स हैं। तो वहाँ क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या देते हैं, वेब पेजेस। और इसको हम कब रिट्रीव कर पाते हैं, जब हम वेब ब्राउजर सच एज मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू द वेबसाइट एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसने यूज किया है, तो वेबसाइट को देखने के लिए यूज किया था और ऐसा एक्ट करता है जैसे कि एक इंटरफेस हो किसके किसके बीच में, वर्ल्ड वाइड वेब और आपके बीच में, यानी किसके यूजर के बीच में। अ वेब सर्वर इज कंप्यूटर दैट स्टोर्स द वेबसाइट एंड देयर रिलेटेड फाइल्स व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। मैंने आपको बताया था GoDaddy है, बिग रॉक है, ये सब वेबसाइटें क्या करती हैं, ये सब वेबसाइटें आपकी वेबसाइट को लोड कर लेंगी। इनके जो कंप्यूटर्स होते हैं ना बेटा, इनके कंप्यूटर 24 घंटे ऑनलाइन होते हैं, 24x7x365 हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये वहाँ से फाइल अपनी भेज देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं सर, कंप्यूटर को कहा जाता है वेब सर्वर, क्या कहते हैं बच्चा, वेब सर्वर। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ एडवांटेज एसोसिएटेड विद द नेटवर्किंग आर, पहला क्या है, डाटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस सेटिंग एंड यूजिंग द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। पहला देखते हैं डाटा शेयरिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा। यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स या एक्स्ट्रास टू अदर। तो क्या होता है, इंटरनेट से आप डाटा शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज प्रिंटर, स्कैनर, etc कैन ऑल्सो भी शेयर। क्या होता है कि इसको हम और को भी, मतलब जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है जैसे प्रिंटर, स्कैनर, उसको भी हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर्स फॉर ईच यूजर, वन प्रिंटर कैन बी परचेज एंड शेयर टू द मल्टीपल यूजर थ्रू सेविंग कॉस्ट। तो क्या हो सकता है कि अगर आपने 10 प्रिंटर, अगर आपके पास 10 सिस्टम है लैब में, तब क्या कर सकते हैं, 10 सिस्टम को एक सिंगल प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। सिंगल प्रिंटर से कनेक्ट कर लीजिए और आपको बार बार डेटा प्रिंटर करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। दिस इज द वेरी कॉमनली फाउंड इन द इंटरनेट कैफे, ब्राउजिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेज एंड कंपनीज। अरे सब छोड़ो, तुमने हॉटस्पॉट यूज किया है, हॉटस्पॉट में क्या होता है, आपके पास 3-4 मोबाइल, आपके पास एक नेटवर्क होता है मोबाइल में, आप क्या कर लेते हो, 3-4 मोबाइल को आराम से कनेक्ट कर लेते हो, कितना 3-4 मोबाइल्स को आप इजीली कनेक्ट कर लेते हो, आप ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हो, एकदम इवन लैपटॉप को भी आप यूज कर लेते हो, किससे, अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके आप क्या करते हो, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो। जो हॉटस्पॉट आप ऑन कर लेते हो, ये क्या है, इंटरनेट शेयरिंग का ऑप्शन होता है। ठीक, आप क्या करते हो, इंटरनेट अपना शेयर करते हो। ओके, आपका लेक्चर लगभग आधा हो चुका है। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, टू यूज द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, MTS, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, etc। इसमें से कौन कौन सी कंपनी मर गई, इसमें से MTS मर गई है और टाटा डोकोमो मर गई है। ठीक, सी ही इज नो मोर। अभी है कौन सी जो लार्जेस्ट है इस समय, है
जियो वोडाफोन के साथ कौन से आ गई है? आइडिया, एक ही साथ हो गए हैं। ठीक, बीएसएनएल, ये बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो। इसके अलावा भी कोई है? कमेंट करके बताओ, हमें तो नहीं लगता। हाँ चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या? आपके पास मोबाइल में एक नेटवर्क होना चाहिए, अपने नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है एंड जियो है। अभी आजकल ये सब मेनली सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके। अब बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में डिटेल में। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू द इंटरनेट वाया अ डायल ऐप यूजिंग मॉडम एयर डायरेक्ट हार्ड वायर और वायरलेस कनेक्शन। तो ये क्या करते हैं, ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। पहला क्या? डायल ऐप कनेक्शन। डायल ऐप कनेक्शन तब होता है जब आप अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नल मॉडम यूज करो। पहले के जमाने में जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट यूज करने के लिए लोग मॉडम यूज करते थे, तो उसमें आप डायल ऐप कनेक्शन यूज करते थे। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन आ गया, वायर्ड कनेक्शन। कि आपके कंप्यूटर में क्या होगी, लैन लगी रही और हमेशा नेट ऑन रहेगा। अब क्या, इसमें हम लोग वायरलेस यूज कर रहे हैं। तो तीन तरह के आपके क्या हो गए, तीन तरह के आपके नेटवर्क टाइप हो गए। चूजिंग कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड कम्युनिकेशन टाइप ऑफ योर एरिया। ठीक है, जब भी आप किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पीड और कनेक्शन टाइप ऑफ योर एरिया। यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस यूजर, होम यूजर एंड कनेक्टिविटी टाइप्स सच एज DSL, केबल मॉडम, डायल अप ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड वायरलेस, VMAX और 3G, मीडियम्स आर लार्ज बिजनेस यूजर्स और कस्टमर विच विथ मोर डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट मे यूज हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सच एज DSL, हाई स्पीड एंड ISDN। देखो ये होता क्या है, तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। देखो चूजिंग कनेक्टिविटी डिपेंड करती है कि आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पीड मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग में आपका कनेक्शन होगा। देखिए अब हमको यूज करना है मान लीजिए 5G, लेकिन 5G तो हमारे एरिया में है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एरिया में अवेलेबल में से ही चूज करना पड़ेगा। ठीक, ये यहाँ तक पॉसिबिलिटी थी कि मई तक लॉन्च हो जाती, लेकिन अभी लॉकडाउन हो चुका है तो इसकी टेस्टिंग भी बंद हो गई है। जहाँ तक उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल के दिसंबर तक हमें देखने को मिल सकता है। 5G फोन्स बन चुके थे, लॉन्च हो जाना था, लेकिन अब क्या करें, लॉकडाउन हो गया ना बेटा, दुनिया पीछे चली गई, हम खुद ही पीछे चले गए, आप भी पीछे चले गए, कोई बात नहीं। ओके, यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर, होम यूजर्स यूज द कनेक्टिविटी टाइप सच एज DSL। DSL क्या होता है बेटा, DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यानी कि क्या, यानी कि एक तरह से ब्रॉडबैंड टाइप का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और उससे क्या होता है, उससे ये लोग सिस्टम को यूज करते हैं, जनरली हम और आप लोग इसको यूज करते हैं। केबल मॉडेम यूज करते हैं, बिल्कुल। डायल अप कनेक्शन यूज करते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं मॉडेम लगा करके। देखो केबल मॉडेम क्या होता है, जहाँ पे आपकी केबल से कनेक्शन आ रहा है, खंबे से तार आता है और वो एक मॉडेम में लगा रहता है, फिर मॉडम से दूसरा तार निकलता है आपके लैपटॉप में जाता है। लेकिन डायल अप कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, डायल अप कनेक्शन के लिए आपका वायरलेस मॉडम होता है। दोनों में अंतर समझना बेटा, वायरलेस मॉडम होता है आप 1400-1500 रुपए का मॉडम खरीद के लाते हो, उसमें अपनी सिम लगाते हो और आराम से लैपटॉप में घुस के नेट चलाते हो। अब क्या, ब्रॉडबैंड वायरलेस क्या होते हैं, ब्रॉडबैंड वायरलेस, ब्रॉडबैंड जो ब्रॉडबैंड वायरलेस होते हैं, मतलब आपने कई बार घर के बाहर देखा होगा कि हाँ घर के बाहर एक ऐसे सफेद कलर का ऐसे लगाया था लोगों की छतों पे, कहते हैं भैया नेटवर्क लगवाए हैं। तो क्या है, वो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, लेकिन है वो ब्रॉडबैंड ही, वो ब्रॉडबैंड है, लेकिन वहां से तार गया होगा नीचे, वो जाके लगा होगा कहाँ, उनके घर में सिस्टम में, तो क्या होगा, वायरलेस ब्रॉडबैंड हो गया। VMAX और 3G, इसी को VMAX कह सकते हैं, 3G कह सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी LTE चल रहा है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी क्या 4G। इतने ऑप्शन इस समय आपके पास है क्योंकि जब ये बुक प्रिंट हो रही है ना बेटा, तब इनके पास तो 4G के बारे में नॉलेज है, 4G के बारे में नॉलेज नहीं थी। मीडियम टू लार्ज बिजनेस यूजर्स और कस्टमर विद द मोर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट टू हाई स्पीड कनेक्टिविटी सच एज DSL, हाई स्पीड DSL लगवाते हैं वो। और ये क्या, ISDN, ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ये क्या होती है, इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है और पेमेंट भी हाई होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चा।
होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, कुछ आपको मेरे लेक्चर से प्रॉब्लम है, इसकी क्वालिटी से प्रॉब्लम है, मेरे पढ़ाने के तरीके से प्रॉब्लम है, तो बेटा तुम डिसलाइक ना किया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ना, फिर डिसलाइक हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता हमें। अब हमें कमेंट करके बताओ तो कि आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट, एंड डेफिनेटली आई विल डू। आपके एकदम जो आप बोलोगे वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हमने मन से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा पढ़ाए पढ़े हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कोर्स भी कम्प्लीट हो जाए और ज़्यादा हाई तौबा भी ना हो। हाई तौबा मतलब आप ज़्यादा परेशान भी ना हो। और हफ्ते में एक दिन क्लास ही होती है मेरी, वो भी 1 घंटे की। तो ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं। हाँ लेना तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास हम तब लेंगे जब तुम लोगों का, हमें लगेगा कोर्स कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा, अभी सब सही चल रहा है। तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हम लोग का मोटिवेशन बनता है। हम मेहनत कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ मेहनत तो कोई अच्छा आउटपुट मिल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं। हमारा अगर मनोबल टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम किसी और की वीडियो उठाएंगे तो मिलेंगे, वेस्ट किया करेंगे। तुम भी देख लेना उसी वीडियो, हम भी देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। मॉडम, हम मॉडम की बात कर रहे थे। अ मॉडम इज अ डिवाइस डैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इंटू अ फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स डैट कैन ट्रेवल ओवर द फोन लाइन्स एंड ऑल्सो रिकन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल बैक टू द डिजिटल सिग्नल्स। The word modem is divided into two function, modulator and demodulator. तो modem का full form कहाँ से बना है modem? MODM मतलब modulator and demodulator। इसका दो काम होता है कि जो आपका computer होता है ना, digital signal generate करता है। कौन सा? Digital। तो digital signal को क्या करना? Analog में convert करना, किसमें? Analog में। और analog signal को किसमें? Digital में convert करना। ये काम किसका है? Modem का काम है। Now टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी देखते हैं। जब ये बुक छपी थी तब तक इनके पास कितने इंफॉर्मेशन थी। चलिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी टूडे। वी इट कैन बी वाइडली और कैटेगराइज इनटू वायर एंड वायरलेस एक्सेस। फॉलोइंग टेबल समराइज द कनेक्टिविटी इन डिवाइस। ठीक है, डायल अप क्या होता है बेटा? वायर्ड होता है। DSL क्या होता है? वायर्ड होता है। केबल वायर्ड होता है, ऑब्वियसली केबल लिखा ही है। 3G वायरलेस है, WiMAX वायरलेस है, और वाईफाई भी वायरलेस है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक, वाईफाई की सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट चाहिए होता है। वो हॉटस्पॉट क्या होगा? हॉटस्पॉट ऊपर के चारों में से, ऊपर के इन सब में से कोई एक होगा। ठीक, समझ पा रहे हो ना बेटा? समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से। तो आप जो वाईफाई को यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक कनेक्शन चाहिए। इस कनेक्शन में से आप क्या करोगे? आप हॉटस्पॉट क्रिएट करोगे और उस हॉटस्पॉट से आप क्या करोगे? अपने वाईफाई को कनेक्ट कराओगे, वायरलेस फिडेलिटी को कनेक्ट कराओगे। वाई मैक्स के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा मैं। वाई मैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फिर से सुन लो, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसका वाई मैक्स का फुलफॉर्म ये होता है। और ये क्या होता है? ये आपके IEEE 802.16 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। और इसका का ये क्या है? ये ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस होता है, BWA होता है। तो इसके बारे में इतना आप जान लीजिए। वाई मैक्स इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। नाउ डायल अप कनेक्शन क्या है? DSL क्या है? इसका मैं लिखूँ, डिटेल में पढ़ना भी आ गया। वाह, चलो। सम ऑफ कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी, यार यही आपका आज का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद हम आपके लेक्चर को क्लोज कर देंगे और आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ओके, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। आप इन सब के बारे में दो दो लाइन लिख के लाएंगे, यही आपका होमवर्क है। चलिए, डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट सर्विस, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G क्या है, WiMAX क्या है, एंड एट लास्ट वाईफाई। इतना आप पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम यहीं से डिस्कस करना शुरू करेंगे। इतना आप पढ़ेंगे, उसको आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। 2 पेजेस में आपको उसको लिखना है। 2 पेज का एक ही पेज में आ जाएगा। 1 to 2 पेज में आपको उसको लिख लेना। यही आपको क्या है? होमवर्क है। बहुत छोटा सा होमवर्क है, ना के बराबर है। तो अभी आपने नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही बेटा तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमें बताइए कि हम कैसे आपको चीज़ें समझाएँ, क्या करें। और आप अपना कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए, आपको वेट ना करना पड़े लिंक का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।